ट्विटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी पे थोड़ा हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या मार्केट में रहने वाला है, कौन से प्लेयर वहाँ पे बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको अपने नेक्स्ट वीक की क्या रणनीति बनाना है। यानी प्रॉफिटेबल होना है तो पहले से ही डेटा के ऊपर ध्यान देना होगा, वो क्या हो रहा है लाइव मार्केट में, उसको कैसे एनालिसिस करना है, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है। यानी डेटा आपके पास तो आ रहा है डेटा, लेकिन उसको आप कैसे समझें कि बिग प्लेयर वहाँ पे बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है। जब तक आप इस चीज़ों को पता नहीं कर पाएंगे, इंट्राडे ऑप्शंस में आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये कैसे संभव है, कैसे संभव है कि लाइव मार्केट में पता किया जाए और जो एंड ऑफ द डेटा है उससे कोरिलेट किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी फैक्टर पर आज हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी पहले अगर हम यहाँ पे आज के डिस्कशन था वो देखें कल में भी, तो ऐसे आपको लाइव मार्केट में पता चलता है। कल हमने यहाँ पे बात किया था कि प्रो हैं वो 22,200 एंड 22,300 की जो हो पुट राइटिंग कर रहे हैं। अब वो कल के डेटा में हमने प्रूफ भी कर दिया था कि पुट राइटिंग कर रहे थे, मार्केट को 22,300 के ऊपर ले जाके क्लोजिंग किया उन्होंने। तो ये आपको अगर पहले पता चल जाएगा तो आप आसानी से यहाँ पैसा कमा सकते हैं। अगर पैसा नहीं भी कमाते हैं तो लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्शन में बैठेंगे और आप डायरेक्शन में बैठेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा। आज भी हमने बात किया कि आज लाइव मार्केट में बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है, इसलिए मार्केट जहां खुला वहीं रहा। मार्केट ऊपर ओपन हुआ क्योंकि कल की ही उनकी पोजीशन जो हो बुलिश बनी हुई थी, वो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे थे, तो मार्केट नीचे खुलने का सवाल ही नहीं था। अगर कल की मेरी वीडियो आप देखे होंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, वो मार्केट ने ऊपर उन्होंने खुला, ऊपर में लिक्विडिटी क्रिएट खास नहीं किया, अब क्या चेंजमेंट हो रहा है। तो थोड़ी सी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट बहुत आराम से समझेंगे हम लोग यहाँ और उसके ऊपर कंक्लूजन निकालेंगे। तो आज रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पढ़ाई। लॉन्ग मीन्स होता क्या दोस्तों, बाई फ्यूचर में, शॉर्ट मीन्स होता है सेल। अगर फ्यूचर में कोई बाई कर रहा है तो वो बुलिश उसका व्यू है, सेल कर रहा है तो उसका बेयरिश व्यू है। तो आवर रिटेल ट्रेडर, आप कहीं और दिल्ली मुंबई अहमदाबाद, मैं बेंगलोर से ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग जगह बैठे हुए। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मैंने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपने क्या किया, लॉन्ग कर लिया यानी बाई कर लिया। तो नेट टू नेट यहाँ पे मनी फ्लो ज्यादा कहाँ पे हुआ, लगभग आप देखें तो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के लिए बनाया गया, 93,600 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग है। यानी फ्यूचर में हमारे जो रिटेल भाई हैं वो क्या है, बुलिश बैठे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, 5 डेज की अगर एवरेज प्राइस देखें तो आप देखें कि 89,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या किया, 5 डेज में लॉन्ग बनाई, शॉर्ट भी उन्होंने बनाई 77,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से हमारा हो सकता है कि मैं बुलिश पोजीशन लेकर बैठा हूँ, आप ये हो सकते हैं कि बेयरिश पोजीशन लेकर बैठे हुए, इसमें प्राइस ये है। यानी जो लॉन्ग किया गया है उनकी प्राइस ये है, जो शॉर्ट किया गया है उनकी प्राइस ये। तो जो भी यहाँ पे अभी लॉन्ग किया वो पैसा कमा रहा है एवरेज प्राइस में फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का एवरेज प्राइस ऊपर चल रहा है, वो पैसा कमा रहा है। डीआईआई यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है, लगभग 11,000 कॉन्ट्रैक्ट 22,300 के ऊपर, और ये यहाँ पे लॉस कर रहा है। एफआईआई भी आप देखें तो लगभग उनके पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल है, लॉन्ग और शॉर्ट का दोनों, लगभग थोड़ी सी शॉर्ट की ज्यादा है, जो 22,237 के है, 22,251 के लॉन्ग है, तो यहाँ पे न्यूट्रल कह सकते हैं इनको। प्रो शॉर्ट किया हुआ है 22,000, लॉन्ग किया हुआ है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लॉन्ग किया 10,000, शॉर्ट इसके पास नहीं है, तो लॉन्ग 22,000 के करीब है, यहाँ प्रो पैसा कमा रहा है। यानी लॉस में अभी हमारा यहाँ पे डीआई बैठा हुआ है और कुछ रिटेल ट्रेडर भी, क्योंकि 77,000 कॉन्ट्रैक्ट इनका लॉन्ग है यहाँ पे, तो लॉस में ये भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ बिग प्लेयर का क्या है, वो बुलिश में बैठा हुआ है फ्यूचर में। फ्यूचर की एक्सपायरी क्या होती है, मंथली होती है, मंथली होती है, तो यहाँ पे अगर वो लॉस भी लेके जाएगा तो कैरी करेगा, लेकिन हम आप काट देंगे पोजिशन। ओवरऑल डेटा अभी फ्यूचर का बुलिश है यहाँ पे, लेकिन नेट टू नेट देखा जाए नेक्स्ट वीक के लिए, नेट टू नेट ये आपको नेक्स्ट वीक के लिए डेटा है। नेट टू नेट में क्या है, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई भी बेरिश है, प्रो न्यूट्रल है। ओवरऑल इस डेटा को थोड़ी हम और बारीकी से समझेंगे, बारीकी से कैसे समझेंगे,
इनकी नेट टू नेट पोजीशन हम यहाँ पे बारीकी से देखेंगे कि क्या इनकी पोजीशन बनी हुई है। यानी अगर मैं एक एफआईआई की बात करूँ तो लॉन्ग और शॉर्ट में कहाँ इनका पोजीशन कैरी किया हुआ है, इन्होंने कब पोजीशन बनाई है। आप यहाँ पे देखें, अभी जो एक्सपायरी होने के बाद 28th 29th के बाद 25th 26th के बाद इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कैरी की है। अब यहाँ 29th का क्या था, एक्सपायरी था। एक्सपायरी में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्सपायरी से पहले 1,41,000 टीम के पास लॉन्ग पोजीशन था, 1,71,000 शॉर्ट पोजीशन था। यानी ये दोनों पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक्सपायरी के दिन उन्होंने क्या की, लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दिया। लॉन्ग पोजीशन कितना, लगभग 50% उन्होंने क्लोज कर दिया। लेकिन क्या शॉर्ट पोजीशन उन्होंने क्लोज किया, 1,71,000 से 1,27,000, यानी मान ली 40,000 ही यहाँ पे क्लोज किया, जबकि लॉन्ग क्लोज किया। यानी वो क्या है, शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर उन्होंने किया। जो भी उनके पास शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ था उसको हमारे एफआईआई ने रोल ओवर किया। रोल ओवर इन द सेंस कि उस पोजीशन को कैरी करके गए, यानी अगले मंथ भी इनका व्यू यहाँ पे बेयरिश बना हुआ है। फ्यूचर में अभी तक के डेटा के अनुसार इसलिए वो ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग जो मोमेंटम चल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। ये क्लियर है डेटा। अब यहाँ रिटेल ट्रेडर के देखिए, अब रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, रिटेल ट्रेडर ने कोई अपनी पोजीशन ज्यादा नहीं, वो जा रहे सारे के सारे रोल ओवर किए। देखिए 2,97,000 से 2,85,000, 2,22,000 से 2,06,000, दोनों पोजीशन उन्होंने अपनी रोल ओवर की। यानी जो भी पोजीशन बना हुआ था उसको उन्होंने कैरी किया। प्रो प्रो का यहाँ पे डेटा अगर देखा जाए 29th को, तो वो अपनी पोजीशन एज यूजुअल, उनके पास कोई न्यूट्रल का पोजीशन था ही नहीं। आप पोजीशन देखें दोनों जगह उनका सेम पोजीशन था, यानी जितना लगभग लॉन्ग था उतना ही शॉर्ट पोजीशन बना हुआ था, तो उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। और डी आई ने क्या किया, DII भी सेम पोजीशन कैरी कर रहे हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन वो कैरी कर रहे हैं। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे अगले मंथ भी बेयरिश व्यू रख रहा है फ्यूचर में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस के डेटा देख लेते हैं। ऑप्शंस बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है, हर एक एक्सपायरी का डेटा होता है यहाँ पे। आज मार्केट ओपन था, 3,32,000 पोजीशन जो है वो पोजीशन रिटेल ट्रेडर लॉन्ग बनाए गए। शॉर्ट भी 2,68,000 किया गया, यानी नेट टू नेट 68,000 उन्होंने बाइंग किया। ये सेल करके गए थे कल 2,57,000, अभी भी उनके पास 1,93,000 सेल का है, वो बेयरिश है। पुट साइड इनके पास कल तक 25,000 पुट की क्या थी, राइटिंग पड़ी हुई थी। आज वो पुट की बाइंग किए 3,73,000, 3,67,000 सेल भी किया, नेट टू नेट 12,000 कॉन्टेक्ट था। 38 से 25,000 अभी भी इनके पास पड़ा हुआ क्या है, सेलिंग। यानी ये यहाँ पे न्यूट्रल है पुट साइड, लेकिन कॉल साइड वो सेलर ज्यादा है किया है। DII एक्टिव नहीं है यहाँ पे। FII के पास अभी भी 12,000 कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखें वो लॉन्ग है, यानी नेट टू नेट यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके पास नहीं, दोनों साइड पोजिशन कॉल साइड हैज किया है, कॉल में वो पोजिशन अपना हेज किया है। पुट साइड 1,39,000 इसके पास है जो है वो बाइंग का। ओवरऑल कॉल की सेलिंग यहाँ पर देखें 47, यहाँ 42, 14%, 16%, तो ये कॉल में सेलिंग ज़्यादा किया है, लेकिन नेट टू नेट पुट की बाइंग इसके पास थोड़ी पोजिशन बढ़ी है, क्योंकि वो फ्यूचर में भी अपना पोजिशन हेज किया है। तो यहाँ DII FII थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है, थोड़ा सा। और प्रो प्रो ने जो भी उसके पास कॉल की पोजिशन बाइंग पड़ी थी 2,83,000 की, आज उसने पोजीशन क्लोज की 89,000। अभी भी 1,81,000 का पोजीशन यहाँ पे बाई पड़ा है, अभी भी पड़ा है, तो ये यहाँ पे बुलिश हुआ। और पुट साइड वो 17,000 देखिए, नेट टू नेट 1,48,000 पुट की राइटिंग करके जा रहा है, ये भी एक बुलिश पोजीशन है। FII भी थोड़ी यहाँ बाई करके गया है, तो यहाँ FII भी, यानी बड़ा प्लेयर अभी भी यहाँ पे बुलिश चाह रहा है मार्केट को। तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इस डेटा को अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के साथ, तो हम एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंड कहाँ तक होगा, एक्सटेंड देखा जाए
22,480 के लेवल तक, ये लेवल एक बार टच करना चाहिए, 22,480, 22,500 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करके आता है तो एक्सटेंशन 22,570-60, ये लेवल, ये दोनों डे टैग के ऊपर का लेवल है दोस्तों, प्राइस एक्शन नहीं डे टैग के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये आपको 22,700 के आसपास का लेवल आ रहा है, लेकिन एक बार 22,500 के आसपास से रेजिस्टेंस आएगा। अभी न्यूट्रल पॉइंट क्या है, 22,370 का, 22,370 टू 22,350 का न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट 22,250 का, यानी यहां मार्केट से अगर इसे आएगा तो यहां तक सपोर्ट लेगा, तो मार्केट क्या है, अभी न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है, यानी मोमेंटम है अभी भी मार्केट में। जो लेवल हमने बात किया 22,500 के लेवल का, 22,500 के लेवल का रेडी रही, आप लेवल को टच करेगा। बैंक निफ्टी में अभी मोमेंटम नहीं आया जितना निफ्टी में आया, तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट अभी रजिस्टेंस जो आप देखें 47,400 का लेवल, ये लेवल पे बैंक निफ्टी हर्डल अभी है 47,400, ये लेवल को जैसे क्रॉस करता है 47,600 और 48,000, दो लेवल आपको ऊपर में दिखाई देगा, 47,600 48,000 का सपोर्ट, अभी 47,200 के आस से इसका सपोर्ट, यहां से पूरे दिन रहा सपोर्ट लेके, ये एक बार निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 47,600, यानी यहां से लगभग 400-500 पॉइंट मंडे को मोमेंटम देने वाला है बैंक निफ्टी, डेटा इंडिकेशन कर रहा है। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी अपने रेंज में ही घूम रहा है, तो ऊपर में भी 20,930 का लेवल का, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये लेवल जैसे ब्रेक करेगा 21,160 के लेवल टच करेगा, सपोर्ट 20,800 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 20,600। ये दोस्तों सिर्फ डेटा के ऊपर का लेवल है, ध्यान रखिएगा। अब मिड कैप निफ्टी एक अपना न्यूट्रल पॉइंट्स जो है वही रेंज में घूम रहा है, ऊपर का लेवल इसका 11,050 का और नीचे का लेवल अभी 10,870 का, ये लेवल नीचे साइड है, दोनों ये है वो डेटा के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर बात करें FII का, आज कोई कैश में उन्होंने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की, ये हम सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते हैं, लाइव में आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये अगर आप सब कुछ आपको सीखना है तो दोस्तों नेक्स्ट बैच हमारा बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपकी थिंकिंग वे ऑफ ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी दोस्तों, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कहीं को भी। ओवरऑल वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वे से जरूर चला लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।